दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सुपर फूड के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हो। इसका इस्तेमाल मात्र से आप अपने कमजोर शरीर को फौलाद बना सकते हो। साथ ही इसके अंदर शरीर की कई बीमारियों से जड़ से खत्म करने की ताकत होती है, और वो चीज़ है दोस्तों दलिया। जी हाँ, दलिया आप सभी खाते होंगे, लेकिन आपको शायद इसके फायदे ना पता हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम इसमें आपको बताने वाले हैं दलिया खाने के फायदे। यकीन मानिए दोस्तों, दलिया खाने के ऐसे ऐसे फायदे होते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए, और ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन अप करता है। तो दोस्तों, जिनको दलिया के बारे में नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि दलिया पौष्टिक आहार होता है। दलिया आपके शरीर में सभी पोषक तत्वों की मात्रा को पूरा करता है जो टूटे हुए अनाज के मिश्रण से बनता है। इस अनाज में चावल, बाजरा, मकई और जई शामिल होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी होता है। पुराने समय में लोग दलिया का सेवन बहुत ही ज़्यादा करते थे, क्योंकि उस समय लोग शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा किया करते थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसे ताकतवर फूड की जरूरत थी जिन्हें एक बार खाकर लंबे समय तक आसानी से काम कर सके, बार बार भूख न लगे, और वो सुपर फूड था दलिया। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार एक कटोरी दलिया सुबह खाकर देखिए, आपको दोपहर तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और आपके शरीर को ताकत की कमी भी महसूस नहीं होगी। साथ ही साथ आपके शरीर की कई बीमारियों को ये दूर भी करेगा। तो आइए जान लेते हैं दलिया खाने से बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, जो लोग वजन कम करने के लिए तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं, उनके लिए दलिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। योगा एक्सरसाइज के अलावा वजन घटाने के लिए डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपना वजन वाकई में कम करना चाहते हैं तो आप दलिये का सेवन कीजिए। सुबह के नाश्ते में या फिर राइस की जगह पर आप दलिये का सेवन कर सकते हैं। इसे बॉडी पूरी तरह से फिट व तंदुरुस्त रहता है। इसको खाने से बॉडी में फैट नहीं बढ़ता, क्योंकि यह एक लो कैलोरी सुपर फूड है। दूसरे नाश्ते की अपेक्षा इसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है। इसमें फाइबर होता है जिससे लंबे समय तक पेट भरा भरा महसूस होता है, और बार बार खाने की इच्छा भी नहीं होती, और आप ज़्यादा खाने से बचते हैं जिससे आपका बढ़ा हुआ वजन धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर आप कोई रेमेडी भी कर रहे हों तो उस रेमेडी के साथ साथ दलिये का सेवन कीजिए, आपका वजन यकीनन कम होगा। इसके अलावा यह डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें मौजूद फाइबर खाने को अच्छी तरह से पचाने का काम करता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो दलिये का सेवन कीजिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। ये पेट साफ करके पाचन को दुरुस्त करेगा। दलिये में दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है। अगर आपके शरीर में हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द जैसी समस्या है, हाथ पैर में दर्द होती है, तो आज से ही दलिये का सेवन शुरू कर दीजिए। हार्ट पेशेंट के लिए दलिये का सेवन बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इससे मौजूद फाइबर हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो दलिया डायबिटीज में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाकर शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दरअसल दलिया ब्लड में शुगर की मात्रा को कम और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। तो सुबह के नाश्ते में दलिये का सेवन कीजिए, या फिर दोपहर के खाने में चावल की जगह आप दलिया खाइए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको शुगर में बहुत फायदा करेगा और पूरे दिन आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा। इसके अलावा यह शरीर की कमजोरी को दूर करता है। आप सभी जानते हो कि शरीर में कमजोरी क्यों आती है। शरीर में कमजोरी तब आती है दोस्तों जब शरीर को हम वो पूरे पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं जो शरीर को जरूरत होती है। हम वो हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हैं जो शरीर को आवश्यकता होती है, तो इससे क्या होगा, शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। और दलिये में पौष्टिक तत्वों का भंडार पड़ा हुआ है, तो आप इसे खाइए। ये शरीर को एनर्जी देने का काम करेंगे, जिसे खाकर आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करोगे। इसके अलावा आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो ऐसे में आप दलिये का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दलिये में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। और इसी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से शरीर में खून की कमी होती है और हमें आलस, कमजोरी, थकान और पूरे दिन नींद जैसा महसूस होता है। शरीर पीला सा पड़ जाता है, शरीर में जान नहीं रहता, स्फूर्ति और जोश की कमी महसूस होती है। अगर आप ऐसा महसूस करते हो तो दलिये का सेवन कीजिए। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग के लिए या फिर दौड़ लगाने जाते हो, तो आपको नाश्ते में दलिये का सेवन करना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाए जाते हैं जो आपके शरीर की जरूरतों को पूरी करेंगे और आपको पूरे दिन एनर्जेटिक फील करवाएंगे, आपके स्टैमिना को बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि दलिये का सेवन भी आप ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते हो। किसी भी चीज़ का अति नुकसानदायक होता है, आप तो जानते ही हो। इसलिए इसके नुकसान की बात की जाए तो दलिये का सेवन भी ज़्यादा मात्रा में ना करें।
अगर इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो ये भी नुकसान पहुंचाता है। पेट में गैस हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, पेट में ऐंठन जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसलिए आप पूरे दिन में लगभग 100 से 150 ग्राम तक दलिया खा सकते हो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं, दूध पिलाने वाली माताएं भी इसका सेवन कर सकती हैं। हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड की समस्या भी हो तो भी आप दलिया का सेवन कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताना, और अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ आपको वीडियो मिल जाए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।